दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आप शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप भी एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंजल वन का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, जो कि आधार कार्ड पे जो नाम आपका लिखा हुआ है, ठीक है, वो नाम यहाँ पे आपको फुल नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे सिटी एंटर कर देना है, एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है DOB, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करना है, जो कि आधार कार्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है DDMMYY। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, और नीचे IFSC कोड है वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 1 रुपीज आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ DigiLocker, उसके बाद यहाँ पे इंटर डिटेल मैनुअली, ठीक है, मैनुअली यदि आप डिटेल डालना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि DigiLocker के थ्रू यदि आपको यहाँ पे डिटेल डालना है तो इस ऑप्शन पे ऊपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये पेज ओपन होता है, DigiLocker के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं KYC होगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं अगला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एक OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो नंबर आधार कार्ड से लिंक रहेगा उसी नंबर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं OTP हमने फिल किया, तो कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये KYC वेरिफिकेशन के लिए लगभग काम हो चुका है, और यहाँ पे अलाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अगला पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है एनुअल इनकम कितना है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैं 1 से 5 लाख सेलेक्ट कर दिया हूँ, और ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, पहला नाम जो भी होगा वो डालना है, उसके बाद जो लास्ट नेम में लिखा होगा वो भी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे एक साइन अपलोड करना है, और साइन वो वाला अपलोड करना है जो कि आपका पैन कार्ड पे आपने लिख रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो चलिए पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इस तरह से फोटो खींच करके डाल सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे फाइल में जा करके यदि आपका फोटो मोबाइल में लिया हुआ है उससे भी सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन का भी फोटो हमने साइन करके रखा है, तो यहाँ पे साइन करके इस पे डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से ये KYC वेरिफिकेशन लगभग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे NSDL की तरफ से यहाँ पे साइन इन करना होगा, और यहाँ पे आपका एक 10 सेकेंड का वीडियो अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। और ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई ओटीपी, तो इस पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होते ही तो यहाँ पे देख सकते हैं IPV, ठीक है, यहाँ पे आपको 10 सेकंड का वीडियो अपलोड करना रहेगा। तो यदि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट देख सकते हैं, ठीक है, 3 डॉट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं एक वेब कैमरा का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा और 10 सेकंड का यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करते ही उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन MD आजाद, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल्ली कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों डीमैट अकाउंट का जो भी डिटेल है, ठीक है, क्लाइंट ID और आपका पासवर्ड, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।